आरएसएटी में पूछे जाने वाले चैप्टर 11 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर 11 से आते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुंजी की मदद से कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास में कौन सा बटन होता है जिसके माध्यम से हम दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करते हैं, वो है डिलीट बटन। बैक स्पेस से आप अपने बाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करोगे और कर्सर के दाएं ओर के डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन का यूज करना पड़ेगा। एंड बटन, हमारी लाइन के आखिरी तक पहुंचने के लिए हम एंड बटन का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डिलीट बटन है, जिसके माध्यम से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करोगे। करेक्ट आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन निम्न में से किस टैब में उपलब्ध होता है। तो वो होता है हमारा पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होता है, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। वहां से आप पेज को लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, पेज लेआउट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट की स्टाइल है जिसके माध्यम से आप अपने फॉन्ट को एक अलग प्रवृत्ति में, एक अलग रूप में स्टाइल दे सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट की स्टाइल है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सी कुंजी है जिसका इस्तेमाल आप एक नए पैराग्राफ को बनाने के लिए करते हो, वो है हमारा एंटर बटन। एंटर बटन की हेल्प से आप एक नए पैराग्राफ को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, एंटर बटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को कैसे प्रिंट होगा उसको चेक करने के लिए कौन से टैब का यूज करते हो, वो करते हो आप प्रिंट लेआउट का। तो प्रिंट लेआउट में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। तो पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप ये पेज के ओरिएंटेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो होते हैं पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से आप अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वर्ड 2010 में रिबिन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। तो रिबिन जिस श्रृंखला से बनता है उसका नाम है टैब्स, वो टैब्स की श्रृंखला से बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, टैब्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जब हेडर एंड फुटर इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है आपके दस्तावेज को दिखाने के लिए, बहुत ही दिखावटी अच्छा करने के लिए आप करते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, दस्तावेज की दिखावटी को सुधारने के लिए हम हेडर एंड फुटर का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई एरिया सिलेक्ट कर रखा है, उसकी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम कौन से ऑप्शंस को यूज करते हैं, वो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।